द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। यहां एक ऐसा बड़ा विवाद हो गया है, बड़ा बवाल हो गया है कि बीजेपी को अब इसे डैमेज कंट्रोल करने में भी पसीने छूट जाएंगे। अपने स्क्रीन पर जरा न्यूज 24 का यह स्क्रीनशॉट देखिए, ग्राफिक्स देखिए। इसमें लिखा हुआ है, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट व्यक्ति हैं, मैं पीएम मोदी को पत्र लिखकर शिकायत करूंगा और उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करूंगा। भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल का बयान। ये सिर्फ भाजपा के विधायक नहीं है, राजस्थान में भाजपा के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये कैलाश मेघवाल अब अर्जुन राम मेघवाल की पूरी पोल पट्टी खोल रहे हैं। जी हां, वही अर्जुन राम मेघवाल जो इस वक्त देश के कानून मंत्री हैं, जिन्हें किरण रिजिजू की जगह यह तोहफा मिला था। अब देखिए कि अर्जुन राम मेघवाल की पोल पट्टी राजस्थान में सार्वजनिक मंच से ही खोली जा रही है और कैलाश मेघवाल के इस बयान ने राजस्थान की भाजपा में हड़कंप सा मचा दिया है। आप आज तक का भी एक स्क्रीनशॉट देखिए, फिर हम उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। आज तक ने भी उनकी तस्वीर के साथ खबर प्रकाशित किया है और लिखा गया है, भ्रष्टाचारी नंबर एक, मैं पीएम मोदी को चिट्ठी। बीजेपी विधायक ने केंद्रीय कानून मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। इसमें और भी कुछ बातें हैं, जरा गौर से देखिएगा, अपनी स्क्रीन पर कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चोर नंबर एक करार दे दिया। टिकट के बारे में भी उन्होंने दबंगई दिखाते हुए कहा है कि मैंने पार्टी से कह दिया टिकट मेरे घर भेज देना। और फिर इस मामले को अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अभी भी संघर्ष कर रही है। जहां वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार दरकिनार करने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर ही सरफुटवल जैसे हालात हैं, कैलाश मेघवाल के बयान से पता चलने लगा है। अब अर्जुन राम मेघवाल पर अगर इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो सवाल यह भी उठेगा कि देश के कानून मंत्री भ्रष्टाचारी हैं क्या। तो आइए जरा हम आपको सुनाते हैं कि कैलाश मेघवाल ने कैसे सार्वजनिक मंच से मौजूदा कानून मंत्री पर भ्रष्टाचारी होने के गंभीर आरोप लगाए। सुनिए, नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखने वाला है कि भाई तुमने जिसको मंत्री बनाया वो कानून मंत्री और जो सर भ्रष्टाचार ने लिख अवसर था, तो भ्रष्टाचार क्या लाखों रुपये का, गरीब अनुसूचित जातियों के लोगों को नहीं छोड़ा इसने। तो सुना आपने, वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं इस अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय से भी बाहर कर दूंगा, मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखूंगा। जरा ये भी हिस्सा आप सुन लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ये अर्जुन मेघवाल प्रश्न नंबर एक है, इसके मुकदमे चल रहे आज भी भ्रष्टाचार के, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा इस भ्रष्टाचार को इस मंत्रिमंडल से बाहर करो, ये है प्रमाण मेरे जिसके इसके खिलाफ मुकदमे चलने का। तो सुन लिया आपने, अब इस हालात को बीजेपी कैसे कंट्रोल करेगी? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत से कोसों दूर होती जा रही है? क्या वसुंधरा राजे को आगे नहीं करना, सीएम फेस के तौर पर घोषित नहीं करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने जा रहा है? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो बड़ा दावा किया कि आने वाले राज्यवार चुनाव में हर जगह कांग्रेस का ही पताका लहराएगा, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ ही क्यों ना हो, तेलंगाना में भी कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता पाने के लिए छटपटाहट में तो है, कोशिशें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन अंदरूनी कलह पार्टी के भीतर सिर्फ फुटवल की स्थिति भारी नुकसान की तरफ भी इशारा कर रही है। अशोक गहलोत की रणनीति के आगे बीजेपी के हर प्लान तो फेल हो ही रहे हैं, लेकिन जो कसर रह गई है वो उनके पार्टी के विधायक नेता पूरी कर दे रहे हैं। इस बवाल के बाद न्यूज 18 की एक खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया हेडलाइन में, राजस्थान भाजपा में बवाल, बीजेपी विधायक ने दिग्गज नेता अर्जुन राम मेघवाल को बताया भ्रष्ट नंबर 1। यानी कि ये खबर अब आग की तरह फैल रही है,
भारतीय जनता पार्टी कैलाश मेघवाल पर एक्शन लेगी या अर्जुन राम मेघवाल पर एक्शन लेगी, यह तो वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कैलाश मेघवाल की चिट्ठी कब पहुंचती है। सार्वजनिक मंच से अगर किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो फिर यह मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है। बताया जा रहा है भीलवाड़ा का मामला है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठतम विधायकों में से एक कैलाश मेघवाल ने सोमवार को आम सभा के दौरान अपनी ही पार्टी के मंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री और चुनाव घोषणा संकल्प पत्र समिति के संयोजक अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट नंबर एक बताते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग करेंगे। तो विवाद का सारा जड़ यहां पर यह है कि अर्जुन राम मेघवाल सिर्फ मौजूदा वक्त में देश के कानून मंत्री ही नहीं है, उन्हें राजस्थान चुनाव के संबंध में बीजेपी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है और टिकट से जुड़ा मामला है तो हो सकता है कैलाश मेघवाल का पत्ता कहीं कट ना जाए या कट ना गया हो। इसी को लेकर सार्वजनिक मंच से उनका गुस्सा फूटा। हालांकि उन्होंने तो यह कहा कि मैं तो पार्टी से कहूंगा कि मेरे घर टिकट भिजवा देना। ये लगातार जीतने वालों में से हैं, राजस्थान में बड़ी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, तो इनका कद बड़ा है, बुजुर्ग नेता है। अब ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल पर गंभीर आरोप लगा देना कहीं ना कहीं बीजेपी को यह खलने जा रहा है। दरअसल कैलाश मेघवाल ने भीलवाड़ा के एक गांव में आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी बातें कही हैं। अब पूरा मामला टिकट से ही जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल को जैसी जिम्मेदारी मिली है उसके बाद तो यह तय मानिए कि राजस्थान भाजपा में बगावत के सुर अभी और दिखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने वाले हैं, क्योंकि बुजुर्ग नेता ने उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर उन्होंने और क्या कुछ कहा। यहां जानकारी दी है कि भीलवाड़ा की शाहपुरा विधानसभा से विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि यह अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट नंबर एक है, उन पर अब भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा कि वह उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करें। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्जुन राम मेघवाल ने भ्रष्टाचार में गरीबों और अनुसूचित जाति के लोगों को भी नहीं बख्शा और भ्रष्टाचार के मामलों से खुद को बचाने के लिए वह राजनीति में आए और राजनीति में आगे बढ़े, उनके खिलाफ अभी भी मामले चल रहे हैं। यानी कि सीधा आरोप, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। एक कानून मंत्री अगर भ्रष्ट है तो फिर कानून व्यवस्था से आप क्या उम्मीद करेंगे अगर इनके आरोप में दम है तो। कैलाश मेघवाल राजस्थान भाजपा में एक बड़ा कद रखते हैं, लेकिन उनके उम्र, उनके जो बुजुर्ग हो चले हैं, इस कारण से बीजेपी शायद उनसे किनारा करना चाहेगी और मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई में अर्जुन राम मेघवाल का साथ दे दे, या भी अप्रत्याशित तो नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की पोल तो कैलाश मेघवाल खोल ही रहे हैं। अब जरा देखिए आगे कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल की पोल पट्टी कैसे और खोलनी शुरू कर दी। यहां बताया जा रहा है कैलाश मेघवाल ने अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि अर्जुन राम मेघवाल तब से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जब वह एक अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि मैंने आज एक बैठक में लोगों से जो कहा है वह सही है, मैं मंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने जा रहा हूं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये आरोप अब क्यों लगाए जबकि अर्जुन राम मेघवाल कई वर्षों से केंद्र में मंत्री रहे, तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह मतदाताओं को जागरूक करना चाहते थे क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश मेघवाल दोनों ही दलित नेता हैं। अब यह विवाद और भी तूल पकड़ेगा। हालांकि अर्जुन राम मेघवाल के तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। अगर अर्जुन राम मेघवाल के वर्क प्रोफाइल को देखें तो वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और कैलाश मेघवाल उनके उन्हीं करियर के दौरान उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि तब वो भ्रष्टाचार में काफी लिप्त थे और ऐसे में अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ही उन्होंने पॉलिटिक्स का सहारा लिया और नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कई मंत्रालय सौंप दिए और फिर इस वक्त कानून मंत्रालय भी उनके पास है। तो अब इंतजार कीजिए कि कैलाश मेघवाल की चिट्ठी पर पीएम मोदी अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रालय से बाहर करते हैं या फिर कैलाश मेघवाल का पत्ता ही कट जाएगा राजस्थान विधानसभा चुनाव में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।